प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा प्रवासी मजदूरों व कामगारों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया जा रहा है। इसी दिशा में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में प्रवासी कामगारों को होली क्रॉस कृषि विज्ञान केंद्र में मशरूम उत्पादन का 3 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। जिला के दारू प्रखंड के 3 दर्जन प्रवासी कामगार मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें बीजोपचार से लेकर मशरूम के उत्पादन की सभी तरह की विधियों की जानकारी दी जा रही है। प्रशिक्षक डॉक्टर पी के धाकड़ ने बताया कि काफी कम लागत पर मशरूम उत्पादन का व्यवसाय किया जा सकता है और घर में इसका उत्पादन कर दोगुना मुनाफा कमाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान काफी सहायक सिद्ध होगा। देखिए सर, जैसे सारे प्रवासी मजदूर अपने बाहर से आए हैं, यहाँ पे आए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार द्वारा ग्रामीण विकास कल्याण योजना चलाई जा रही है, जिसमें कि सारे प्रवासी मजदूरों को कुछ कौशल दिया जाए, कुछ टेक्निकल जानकारी दी जाए, ताकि वो अपना रोजगार प्रारंभ कर सके। उसी के तहत 1 3 दिवसीय मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण इन लोगों को दिया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि जो अपने एरिया में कॉमनली कॉमर्शियल लेवल पर कौन कौन से मशरूम का उत्पादन ये लोग कर सकते हैं, जैसे बटन मशरूम हुआ, ऑस्टर मशरूम, मिल्की मशरूम, तो इनके उत्पादन में किस तरह से ये लोग शुरुआत कर सकते हैं। पहले दिल्ली में थे, वहाँ पढ़ाई करते थे और कॉल सेंटर में काम भी करते थे, पर वहाँ लॉकडाउन के बाद वापस अपने घर झारखंड आना पड़ा, दारू ब्लॉक से सर, और यहाँ पर प्रशिक्षण मशरूम प्रशिक्षण चल रहा है प्रधानमंत्री की योजना के तहत, यहाँ पर मशरूम प्रशिक्षण चला और वो प्रशिक्षण हम लोग यहाँ लेने के लिए आए हुए हैं। 3 दिन का प्रशिक्षण चला सर, काफ़ी अच्छा प्रशिक्षण रहा हम लोगों का, और हमको उम्मीद है कि प्रशिक्षण लेने के बाद हम लोग अगर सही तरीके से पढ़ा हुआ को अगर हम लोग यूटिलाइज़ करें और अपना खुद से स्ट्रेटेजी लगाएं, तो हम लोग एक अच्छा बेनिफिट पा सकते हैं। चला कि यहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है मशरूम उत्पादन का, तो हम लोग यहाँ पे आए, 3 दिन का ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहा और कुछ हम लोग सीख गए, बहुत अच्छा से सीखे हैं।